चिली मशरूम रेस्टोरेंट्स होटल में बहुत इसकी डिमांड होती है और काफी इजी रेसिपी से मैं आपको दिखा रही हूँ। जिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली बेल पेपर कैप्सिकम ग्रीन ओनियन स्प्रिंग ओनियन भी जिसको हम बोलते हैं और ओनियन के शेल निकाल लेंगे। ये हमने मशरूम ले लिया, ये देखिए इसको इस तरीके से करके ये निकाल लेंगे। अगर बड़ा है तो इसके चार भी कर सकते हैं, आप चाहे तो दो भी कर सकते हैं चार भी कर सकते हैं। ये जैसे ये थोड़ा छोटा है तो इसके दो ही करूंगी, इसको वॉश करके मैंने कर लिया था अच्छे से। इस तरीके से करते हुए ये देखिए जो छोटे हैं उनके दो कर रही हूँ, जो बड़े हैं उनके चार कर दूंगी। साइड बाय साइड मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। पानी जैसे ही बॉयल हो जाता है मेरी ये प्रिपरेशन हो जाएगी मशरूम की, फिर मैं इसको मशरूम को ब्लांच कर लूंगी। पैरा बॉयल जिसको हम बोलते हैं वो हम कर लेंगे, जितने पानी उबलता है इतने मैं मशरूम को कट कर ले। पानी बॉयल हो चुका है, इसमें हाफ टेबल स्पून जितना सॉल्ट और बहुत पिंच ऑफ हल्दी। हल्दी इसलिए डाल देते हैं कि थोड़ा एंटीसेप्टिक होती है और थोड़ा सा जो अगर कुछ इसमें मशरूम में है तो वो भी क्लियर हो जाए। बहुत पिंच ऑफ हल्दी डालेंगे क्योंकि ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो इसका कलर जो है मशरूम पे चढ़ जाएगा। और इसके अंदर मशरूम हम डाल देते हैं और इसको पैरा बॉयल कर 3 से 4 मिनट पैरा बॉयल कर लेते हैं इस तरीके से करते हुए, तो फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करें। ये पैरा बॉयल हो चुका है, इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। एक बाउल ले लिया हमने, ये मशरूम हमने निकाल लिया, इसको एक प्लेट में कर लिया। अब इसकी हम सलरी बनाने स्टार्ट करते हैं। ये 3 चम्मच मैदा 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर अरारोट कुछ भी हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको डालेंगे। इसके अंदर स्वाद अनुसार आधी टेबल स्पून नमक डाल रहे हैं, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। साइड बाय साइड मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, इसके लिए बहुत थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डाल लिया। थोड़ी सी इसके अंदर शेजवान सॉस भी डाल देंगे, 1 टेबल डाल दिया 1 टेबल स्पून। नहीं हो तो आप ये रेड चिल्ली सॉस भी डाल सकते हैं। ये देखिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा कर्ड डालेंगे हम, बिल्कुल इस 1 चम्मच डालेंगे ऐसे, 1-1 चम्मच करके बहुत थोड़ा थोड़ा डालेंगे जिससे इसका स्मूथ एक पेस्ट सा बना लेंगे हम। ये देखिए पानी हमेशा या पानी या दही जो भी आप इसमें यूज़ करते हैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। 1 टेबल स्पून पानी और डाल रही हूँ, मैंने 1 चम्मच पहले कर्ड डाल दिया, अब मैं पानी डाल रही हूँ। पेस्ट बना लिया है, ये देखिए ऑयल गरम हो गया है। अब गैस को हम सिम कर देंगे, इसको अब सारी इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिला लेंगे, चम्मच से हाथ से जिसे भी आप मिलाना चाहते हैं, ऐसे एक पतला सा कोट आ जाए उसके ऊपर। इसको बहुत ज़्यादा तलना भी नहीं है, बहुत हल्का सा तलेंगे और डिमांड पे बिकती है रेस्टोरेंट्स में। ये देखिए बहुत हल्का सा तलेंगे, सिर्फ एक कोट देना इस तरीके से अलग अलग करते हुए डालेंगे। डाल दिया इसको फटाफट, थोड़ा सा सिम टू मीडियम गैस करेंगे, बहुत हल्का सा वो करना है, पतला सा कोट दिया हमने, इससे बहुत अच्छा बन के रेडी होगा चिली मंचूरियन। बस इसको इस तरीके से चलाते हुए या नाइफ या उसकी हेल्प से भी आप हल्का सा वो दे सकते हैं। देखिए करीब 1 से 1.5 मिनट ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करना हमने, ये हो गई है 1 से 1.5 मिनट ही किया, ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो मशरूम कंजी सा हो जाएगा। ये देखिए इसको इस तरीके से करते हुए हम देखिए हो चुका है। अब दूसरी बार का भी हम कर लेते हैं इसी तरीके से करते हुए, दूसरी बार का भी डाल लेते हैं तो सारा रेडी कर लेते हैं फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। दूसरा वाला बैच रेडी हो रहा है, इसमें हम इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं। एक बाउल लेंगे इस तरीके से, इसके अंदर करीब 1.5 टेबल स्पून जितनी शेजवान सॉस डालेंगे, थोड़ी सी रेड चिल्ली सॉस 1 टीस्पून डाली है मैंने, ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ा सा ये सोया सॉस ये भी हाफ ही डालिए, 1/2 टेबल। केचप ये भी 1.5 टेबल स्पून डाल दूंगी, ये डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये सॉस इसकी बन के रेडी हो गई है, जितने वो रेडी हो रहे हैं इतने ही सॉस भी बन के रेडी हो गई है। देखिए ये भी हो चुका है, इसको भी उतार लेते हैं और दूसरी कढ़ाई रखते हैं फिर इसको उतार के। हम इस सॉस के अंदर अब थोड़ा सा एरोमेट पाउडर 1/2 टेबल स्पून ये भी डाल लेंगे,
इसको मिक्स कर देते हैं। उधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है इसको फ्राई करने के लिए। सॉस रेडी हो चुकी है कढ़ाई में। अब हम सेसमे ऑयल डाल देते हैं, चारों तरफ फैलाते हुए ग्रीस करते हुए डालेंगे। इस तरीके से करते हुए अच्छे से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से। इससे क्या होता है कि सोते अच्छे हो जाती हैं और कहीं चिपकता नहीं है कुछ भी। इस तरीके से करते हुए सारा अच्छे से ग्रीस कर लिया हमने। देखिए ग्रीस हो गया अच्छे से। अब इसके अंदर हम गार्लिक डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून गार्लिक, खूब सारा अच्छा टेस्ट देता है इसमें। जिंजर डाल देंगे 1 टीस्पून, हरी मिर्च भी 1 टीस्पून। ये सब चीज़ें हमने डाल दी हैं, इसको अच्छे से हिला लेते हैं। गैस को थोड़ा मीडियम ही रखेंगे, ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी जल्दी होता है। वो अंदर थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डाल दिया मैंने, ऑनियन शेल्स डाल दिए, काफ़ी सारे मैंने शेल्स डाल दिए, कैप्सिकम, बेल पेपर, इनको अच्छे से सोते कर लेंगे। 1 से 2 मिनट करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, चलाते हुए इस तरह से तेज गैस के ऊपर सोते करना है। साइड बाय साइड जितनी देर ये सोते हो रहा है, इसके अंदर ये मशरूम अब ठंडे हो चुके हैं, इसको हम इस सॉस जो हमने रेडी किया है उसके अंदर डाल देंगे। ये डाल दिया, अब इसको हम अच्छे से इस सॉस में मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। थोड़ी अलग और यूनिक रेसिपी है, इस रेसिपी से आप ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें थोड़े से सेसमे सीड्स भी डाल लेंगे हम इसी के अंदर। एक टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने, ज़्यादा। ये देखिए इसको भी मिक्स कर लिया। सेसमे ऑयल में बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, ऑलिव ऑयल है, सेसमे ऑयल में बनाइएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है, फ्लेवर देता है। और गैस को तेज रख के ही प्रोसेस करना है इसका। सही, अब हम इसको इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखिए इसको भी चला देते हैं अच्छे से। मेरी मशरूम, मंचूरियन बोले, चिली मशरूम बोले, रेडी हो गया। थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रीन ऑनियन डाल देंगे, ऑनियन, थोड़ा सा धनिया, देखिए बन के रेडी हो गया। जितना देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत टेस्टी बना हुआ है। अब हम इसको सर्व करते हैं, गैस बंद कर देते हैं, अब हम इसको सर्व कर देते हैं। ये देखिए चिली मशरूम रेडी हो गया है। देखने में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है उतना खाने में बहुत टेस्टी है। इस रेसिपी से एक बार ट्राई करिएगा, बहुत इजी रेसिपी है। और मशरूम जो है, सबको चिली मशरूम बहुत खाने में अच्छा लगता है। इस रेसिपी से ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा बना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।